नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर वार्ड 11 के मोहल्ला खादरवाला चौराहे पर वार्ड सभासद प्रशांत चौधरी व अन्य सभासदों व अधिशासी अभियंता अनूप सिंह विद्युत नगरीय वितरण खंड तृतीय डिवीजन द्वारा ट्रांसफॉर्म पर नारियल फोड़कर बिजली के नए सिरे से कार्य की शुरुआत की गई। वहीं अधिशासी अभियंता अनूप सिंह ने बताया कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं, उनकी शिकायत आ रही थी। सरकार द्वारा संचालित रिवैम्प आरडीएस योजना है, इसमें जो कार्य कराया जा रहा है हमारे क्षेत्र में हमारे तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज वार्ड 11 में नए तरीके से कार्य शुरू कराया गया है। प्रशांत चौधरी, आज यहाँ पे जर्जर तार और जो पुराने गले हुए खंभे हैं उन्हें बदलने का कार्य का शुभारंभ किया गया है। कौन कौन लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ? हमारे क्षेत्र के जो 5-6 सभासद हैं वो लोग हैं, एक्शन साहब हैं और जय साहब हैं और पूरी टीम है इनकी। तो आज जितने भी जर्जर तार हैं, जितने भी मिले हुए तार हैं, जितने भी गले हुए पोल हैं, सबको बदलने का कार्य का शुभारंभ आज कर दिया गया है। मेरा नाम अनूप सिंह है, मैं अधिशासी अभियंता हूँ यहाँ पे, विद्युत नगरीय वितरण खंड तृतीय डिवीजन है। आज असल में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी वार्ड मेंबर्स जो हैं, इनकी काफ़ी दिनों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो सरकार द्वारा संचालित रिवैम्प योजना है आरडीएस जो है, उसमें जो कार्य कराया जा रहा है, इनका कहना था कि भाई हमारे क्षेत्रों में हमारे अनुसार काम नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ भी ज़्यादा शिकायतें थी वहाँ काम ना करके कहीं और एरिया में किया जा रहा है। तो हमने उसका तुरंत संज्ञानित देते हुए जो कार्यदायी संस्था है L&T, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया और सभी सम्मानित जो वार्ड मेंबर्स हैं उन्हीं को बुलाया गया है और आज उनके समक्ष ही इनके एरिया में कार्य का, जो पहले से कार्य तो हो ही रहा है लेकिन आज उसका एक नए सिरे से शुभारंभ कराया गया है। जो भी वार्ड मेंबर्स के कर कमलों से ही स्टार्ट हमने कराया है ताकि एक उपभोक्ताओं में, सम्मानित उपभोक्ता में एक मैसेज जाए कि भाई उपभोक्ता के लिए जो हम कार्य कराए जा रहे हैं उसमें सभी सम्मानित वार्ड मेंबर्स का भी एक्टिव सहयोग है। जहाँ जहाँ भी हमारे जनप्रतिनिधि हमें समस्या बताएंगे उसका प्रायोरिटी पे निस्तारण हम तुरंत कराएंगे। उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे इस एरिया में सभी ये आज हमारा कृष्णापुरी है, इसमें वार्ड पे गए जो वार्ड मेंबर्स हैं, प्रशांत चौधरी जी हैं और वार्ड मेंबर्स भी हमने यहाँ बुला लिए थे सभी का। तो इनको सबको मैसेज यही दिया है कि जहाँ जहाँ भी आपकी समस्याएं हैं हमारी कार्यदायी संस्था वहाँ पे जाके प्रायोरिटी पे कार्य करेगी। इसके अलावा अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें सूचित करें, उसका त्वरित समाधान कराया जाएगा। जितने भी जर्जर तार हैं, जो ABC केबल हैं, जर्जर पोल है, उन सबको बदला जाएगा ताकि जो विद्युत की समस्याएं फॉल्ट होते रहते हैं उनमें कमी लाई जा सके और सम्मानित उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति विद्युत की हम दे सकें। ओवरऑल जो है हमारा वो 3,000 करोड़ की फंडिंग हमें मिली है, जो सरकार से हमें मिली है, तो उसमें 3,000 करोड़ का पूरा फंडिंग है। बाकी इसमें सभी डिविजन्स का लगा के सर्किल में काफ़ी काम है। हमारे यहाँ जो कराया जा रहा है हम अपने एरिया का अपना देखेंगे, जो भी हमारे जर्जर तार पोल हैं, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, वो सब हम इनसे कराएंगे और जल्द ही बेहतर आपूर्ति के लिए हम अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हैं अच्छी आपूर्ति मिलेगी जी।